हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्विक फिन में। बिहार राज्य फसल सहायता योजना, जिसका पैसा फ्रेंड्स अभी आ रहा है, तो जिन लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो उनका पैसा किस कारण से नहीं आ रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे, और इसको पैसा कैसे चेक करना है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे सहकारिता विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, बिहार राज्य फसल सहायता योजना अधिप्राप्ति है, तो निबंधन के लिए यहाँ क्लिक करें। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे वैसा कोई भी आपको जानकारी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक नया सूचना आया, धान अधिप्राप्ति है, तो किसानों का निबंधन की अंतिम तिथि 30/4/2020 दोपहर 12 बजे निर्धारित की गई है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो लिंक पर भी कुछ आपको नहीं मिलेगा और एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आप आईडी पासवर्ड देके ऑनलाइन करते थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बिहार का जो फसल सहायता का योजना का जो फॉर्म था 2019 में 24,94,510 फॉर्म गया था फ्रेंड्स, जिसमें कि 21 लाख से ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा आवेदन का आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ से फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ कि जिस कारण से आपका पैसा नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैसेज आपको मोबाइल में आ गया होगा, नहीं तो अभी तक नहीं आया है, तो हो सकता है ये मैसेज आपके मोबाइल में आ सकता है। आपका आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, कृपया अपने बैंक से संपर्क कर लिंक करा लें। अगर आपने अपना आधार अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लिए हैं तो कृपया इस संदेश को अनदेखा करें। बिहार राज्य फसल सहायता योजना, बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, तो जिनका पैसा अभी तक नहीं गया फ्रेंड्स, कुछ किसानों का ये मैसेज मोबाइल में आया, यानी कि आपका अगर बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसके कारण से आपका पैसा नहीं गया है। अगर आपका खाता लिंक रहेगा तो आपको पैसा स्वतः ही चला जाएगा। तो किस किस किसानों का फ्रेंड्स कैसे कैसे आवेदन गया हुआ है, तो वो सारी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में माध्यम से दे दूंगा। अपने पंचायत का लिस्ट कैसे डाउनलोड करें कि आपका पैसा आएगा या नहीं, तत्काल मैं एक पीडीएफ के रूप में आपको दिखा देता हूं फ्रेंड्स। यहां पे आप जब आएंगे तो देख सकते हैं कि आपको एक मैंने एक पंचायत का ब्यौरा निकाला है, ये लखीसराय जिले का है, तो इसमें देख सकते हैं किस पंचायत में कितने फॉर्म गए। जैसे भलुई है 862, तो इस तरह से कितने फॉर्म रैयत में गए और गैरैयत में गए, तो इस तरह से टोटल जानकारी आप देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपका खाता अगर लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यू आधार की वेबसाइट पे जाना है, UID। इस पे जब आएंगे तो एक नया पेज ओपन होके आएगा फ्रेंड्स, इसमें जाके आपको अपना चेक कर लेना है अकाउंट को आधार से लिंक है कि नहीं। कैसे चेक करना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब ओपन करेंगे आप, तो ओपन करने के बाद देख सकते हैं एक नया पेज ओपन होके आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस। यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक है या नहीं। अगर लिंक नहीं है तो अपने बैंक शाखा प्रबंधक से जाके लिंक जल्द से जल्द करवा ले फ्रेंड्स, नहीं तो आपका पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे आपको आना है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आपको आधार नंबर यहाँ डाल देना है, उसके बाद कैप्चा फिलअप करके गेट ओटीपी कर देना है। गेट ओटीपी करने के बाद आपको वहाँ आ जाएगा कौन सा बैंक खाता लिंक है या नहीं है, तो इस तरह से आप अपना देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।